तान्या तू मेरी गल क्यों नहीं समझ रही? जे मैं नहीं समझ रही फिर तू मैनू समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आकाश? तू बस मैनू ए दस कि जे मैं तेनू कहूंगी कि मैं हुणे तेरे नाल ब्याह कराना है तू करेगा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया तानी? एक दिन पुठी सीधी गल्ला करती पई। मेरी मन शांत हो ते अपने घरे हुणे फोन कर। नहीं आकाश मैं कोई फोन नहीं करना अपने घर। अरे मेरा कोई घर नहीं है। प्लीज तान्या जिद नहीं करी दी होंगी। एक कॉल करना की हो जाना। मैं तेनू कहा ना आकाश मैं कोई फोन नहीं करना। चल ये दस तेरे घर विच कोई भी इदां दा नहीं हैगा जिहड़ा तेरी गल सुनदा वे तेनू समझदा होवे तो उन्हूं तां फोन करके दस सकदी ना अपने बारे। हाँ एक शख्स है मेरे घर विच। कौन कौन जल्दी दस। दादी माँ। नहीं हले तान्या वापस नहीं आई। इस घर की छोटी बेटी सारी रात घर नहीं आई ते तुसी दोनों इत्थे हाथ ते हाथ धरके बैठ हुण करिए वे की असी? ये भी मेरे तो पुछ रहे हो? जे किते मैं तुहाडी थां हुंदा और मेरी बेटी घर तो बाहर हुंदी ते मैं उन्हूं घड़ीस के वापस लेके आना सी ते वो जिथे भी हुंदी मैं उन्हूं थप्पड़ मार के सिद्धा करना सी। वाह भाभी जी वाह भाजी जदों देखो तुसी मैरा हाउस के मान सम्मान दी गल्लां तां बड़ियां बड़ियां करदे हो ते तुहाडी आपदी बेटी ने मैरा हाउस दा नाम डबो रही है। बस दैमट मैं अपनी बेटी तान्या बारे होर कुछ नहीं सुन सकता। ये ना भुलो तान्या मेरे लिए की है। सारी दुनिया एक पासे मेरी बेटी तान्या एक पासे। गुस्सा ना करो भाजी तान्या तुहाडी नहीं मेरी भी बेटी है। फिक्र तो इस गल की है कि पता तो लगना चाहिए वो कित्थे और किस हाल च है। और जिथे भी है ठीक है। इसका मतलब तुहानू पता है कि तान्या कित्थे है? हाँ मैं पता है वह अपने छोटे चाचे के घर है तो वह फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है। माफ करना भाभी जी पर एक गल मैं तुहानू भी कहनी है। मैं अपने आप नू बड़ा ढकण की कोशिश की है पर हुण नहीं। हाँ बोल डायमंड। अज जो कुछ भी घर च हो रहा है तुहानू नहीं लगता कि ना कि तुसी भी जिम्मेवार हो? गल कीता बहुत दूर तक चली जाती है डायमंड। मैनू नहीं लगता कि सही टाइम है गल करन दा। आपा फिर गल करांगे। मुबारक हो जी साहब आदित्य ते आंचल दे ब्याह दे सारे फंक्शन बहुत वधिया हो गए। ये सब माता रानी दी कृपा है जी। माता रानी दी कृपा तो तुहाडे उत्ते होनी होनी है। कल नू ब्याह है ते ब्याह तो पहला तुसी घर विच जगराता रखिया है। ये तो मेरा हाउस दा रिवाज है जी। हुण वारी है सिमोन ते मल्हार दे ब्याह दी पर मल्हार दे सोरा परिवार वाले नजर नहीं आ रहे। लो जी आ गए। आओ जी आओ आओ। बहुत बहुत मुबारक है जी। तुहाडा मेरा हाउस विच बहुत बहुत स्वागत है जी। आपां पहले जाके माता रानी दे चरणां मत्था टेकेंगे। जरूर जी। हाँ जी चलो जी। क्या था जी आ चंगी गल है तुसी तां अज भी लेट हो गए। गिफ्ट दे विच हर बार एक्सपेंसिव सूट ते सिंदूर हुंदा आ। मैं अज ये जवाब लेके रवांगी कि तानू ये गिफ्ट कौन ते क्यों भेज रहा है। जेके साहब इन्हां नू मिलो ये मेरे बड़े प्यारे मित्र ने अवतार जी। हुण मिलो इन्हां नू ये मेरे सिर्फ दोस्त नहीं पर मैं इन्हां दा फैन भी हाँ। बहुत ही वड्डे म्यूजिशियन भी है ते तबला तां कमाल दा वजाउंदे ने। ये ने अवतार जी। ਪਟਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੌਣਕਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਵਜਾਓ ਢੋਲ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਸਮੋਨ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਊ ਸਭ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ।
कि आज भी बाहर निकल नहीं सकांगी इस कमरे चो मैं जगराते जाग कि मैं अपने पोता पोती नू आशीर्वाद भी नहीं दे सकांगी। बस एक बार मैं उत्थे ले चल बच्चिए, मैनू जगराते ले चल बच्चिए। क्यों नहीं दादी माँ, तुसी जगराते ते क्यों नहीं जाओगे? मैं लेके जावांगी। हुण तक तुसी मैनू कई बार तैयार किया, अज मैं तुहानू तैयार करांगी। मैं इत्थे आई हाँ तैयार करने तो आई हाँ। गीटोली तैनू बुलांदे पए ने बच्चिए, तू जा उत्थे। नहीं दादी माँ, बुलाई जान दो, कोई गल नहीं। पर जे तू ना गई फिर तैनू डांटणगे। तैनू पता ही है ना इस घर वाले दे मुँह तक कन्ना तक पाटे हुए ने। कोई गल नहीं दादी माँ, अज बुलाई जान दो उन्हां नू। अज मैं तुहानू अपने हत्थां नाल तैयार करके जगराते ते लैके जावांगी। कमलिए कुड़िए, तू मैनू बुढ़ी नू इस उम्र च की तैयार करेंगी? हुण किहड़ा शिंगार करना है? मैं तुहाडा शिंगार होएगा, जरूर होएगा। ते मैं तुहानू इदां तैयार करांगी जिदां माता राणी नू करदे ने। आजो। रहन दे बच्चिए, क्यों इस बुढ़ी नू तैयार करन लई इन्नी मेहनत? दादी माँ की बुढ़ी लाई है, तुस तो मैनू बहुत सोहने लगते पे हो, बिल्कुल देवी माँ दे सरूप वांगू। तुहानू पता है जे मेरी दादी हुंदी ना तो मैं उन्हां नू रोज़ तैयार करना सी। जे तेरा इन्ना ही दिल करदा मैनू तैयार करन दा ते इत्थे ही रुक जाना बच्चिए, रह जा मेरे कोल ते फिर मैनू रोज़ तैयार करिया कर। बहुत खुशी हुई तुहानू सारयां नू मिलके अज। अवतार जी, ये ने साढ़े कुड़म साहब जेके मेहरा सर। नमस्ते। नमस्ते जी। ते ये ने सिमोन दे सासू माँ जसलीन जी। नमस्ते जी। बहुत वधिया लग्या जेके हाउस का फंक्शन अटेंड करके। नहीं दादी माँ, मैं इत्थे नहीं रह सकती। क्यों नहीं रुक सकती बच्चिए, कौन मना करता है? गल ये नहीं है दादी माँ कि कोई मना करता कि नहीं करता, गल ये है कि मैं इहोजी जगह ते किवें रह सकती हूँ जिथे मैनू कोई देख के राजी नहीं है। जेड़े तैनू इस घर च देख के राजी नहीं, की पता उन्होंने भी इस घर च रहना कि नहीं रहना, किनू कित्थे रखना, ये तो उपर वाला ही जानता है बच्चे। आ फोन की घंटी बजी जाती है, मैनू तो यह भी नहीं पता इस फोन च गल किदा करी दी है। चल तू चक ले। दादी माँ मैं चुका? हाँ हाँ, देख कि फोन है। हेलो, कौन बोलता पे? तुसी कौन? जी मैं गीत बोलती पी हूँ। गीत टोली, तू दादी दे रूम च की कर रही है? अरे तू दादी माँ का फोन क्यों चक्या? तेनू एक बार समझ नहीं आता, मैनू तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं, ते हुण दादी माँ का फोन चक के भी तू मेरे नाल गल कर रही है? तान्या जी तुसी मेरे नाल गुस्से क्यों होंदे पे हो? तेरी भी हद हो गई, तू हजे भी मैनू पुछदी पई है? तेरी इन्नी हिम्मत, तू दादी माँ का फोन चक्या? हाँ चुक्या दादी जी का फोन, दादी जी ने इजाजत दी है। तां हुण तुसी आप दस दो तान्या जी, शकुंतला मेहरा दी पोती तान्या मेहरा सारी रात बाहर कादर लई कट्टी है? पहला तो तू मैनू ये दस गी टोली, तू अपने आप नू समझदी की है? तू हुंदी कौन है मैनू पुछण वाली? मैं तेनू पुछ के घर तो बाहर जाऊंगी। थानू तो जिन्हू पुछना चाहिए तुसी उन्हू भी नहीं पुछ के गए, ता ही बेचारे सारी रात रो रो के अखा सुजाई बैठे सी। किहदी गल करदी पई है तू? जदों धी सारी रात घर तो बाहर रहे ना तो माँ दी अखा सूजी जांदियां रो रो के। तू अपना मुँह बंद कर गी टोली, नाले तू अपने मुँह तो मॉम दी गल ना ही करे तो चंगा है। तान्या जी तुसी हर वेले मेरे नाल गुस्सा क्यों रहिंदे हो? घर विच एड्डा वड्डा प्रोग्राम रख्या होया
अज इना शुभ दिन है ते तुसी तुसी गुस्सा थुक दियो ते घर आ जाओ। आंचल दीद दे व्याह तो पहला माता राणी दे आशीर्वाद लैन लई घरदिया ने जगराता रखिया होया ते तुसी अपनी भैन का विह छड़ के बाहर चले गए, वह भी एक बगाने मुंडे का हाथ फड़ के। तू बहुता बोल ना गी ढोली, मैं दादी माँ गल करनी है, फोन फड़ा दादी माँ। दादी माँ गल करो। हेलो, कौन बोलता पे? हाँ जी दादी माँ, मैं तानिया। तानिया कितों बोलती पई है? वो तो मैं दस ही दांगी दादी माँ, पहला तुसी दसो थोड़ा फोन उस गीत कोल की कर रहा है। अच्छा, तेरी भी जुबान चलन लग गई है हूँ अपने प्यो वांग, तू भी दादी नाल बदतमीजियां करन लग गई है। सॉरी दादी माँ, मैं तो इदा गल नहीं करना चाहती सी। चल तू ये गल छड़, अपनी गल कर। जो मैं तेरी उम्र दी सी अपने प्यो दा हाथ फड़ के रेडियो स्टेशन तक गई सी तबला बजाण, ते सारे परिवार ने उदे करके सारी उम्र मेरा मुँह नहीं सी देखिया, ते अज तू उस उम्र विच तू मेरा परिवार दी जवान धी ने एक बेगाने मुंडे दे नाल घरों बाहर पैर पाया है। हुण तू दस, हुण तेरा प्यो जलंधर शहर का वड्डा बिजनेसमैन जे के मेहरा, वह भी तेरा मूँह देखन तो इनकार करेगा या अपनी धी वास्ते अपने असूल भुल जाएगा? दादी माँ तुसी की कह रहे हो, तुसी मैं ना इतना गल कर रहे हो? देख बच्चिए, तू इस घर की छोटी धी है ते धियां घर की इज्जत होंदिया ने, ते तुहानू बहुत ख्याल है ना घर की इज्जत का, ते हुण भी तुसी मेरी बेइज्जती उस गीत टोली के सामने कर रहे हो। मैनू पता है तुसी उहदे सामने मैनू छोटी बना रहे हो। गुस्सा तो तेरा भी तेरे प्यो मांगो तेरे नक ते ही बैठा रहिंदा है, हुण तू पुट्ठा जवाब देंगी मोहरों? ठीक है दादी माँ, जे थोड़ा दिल मेरी गल सुनने नू नहीं करता तो मैं फोन रख देनी हूँ। फोन ना रखी, मेरी गल सुन तानिया। दादी जी मैं गल करा। तानिया जी हुण गल करन दा कोई फायदा नहीं, तुसी घर आ जाओ। मुंह बंद रख अपना, शट अप। क्यों है तानिया? होना की सी ओही ड्रामा, वो गीत टोली मैनू लैक्चर दे रही। की कहती सी? यही कि अज घर विच जगराता है, नाले कल नू आंचल दी दा विआह, ते अज रात नू मल्हार ब्रो ते सिमोन दी रिंग सेरेमनी। घर आने लई कह रही सी मैं। तो चल फिर, चलिए घर वापस। मैं तेनू कहा ना मैं घर वापस नहीं जाना। प्लीज तानिया, तेरा इस वेले घर जाना जरूरी है। तो रही गल गीत दी, तू घर विच होवेंगी तो उन्हें सब कुछ सिखा सकेंगी। मैं हुण इजाजत लवांगा, एक होर फंक्शन ते पुजना जल्दी। रुको अवतार जी, मैनू ये दसो गाना बजाना तो तुसी कर दई, यह तुहाडी खानदानी दी चली आ रही है? नहीं जेके साहब, जे मैं गाँदा तो यह मतलब नहीं कि मेरा सारा परिवार ही संगीत नाल जुड़िया। पहला तो इदा ही होंदा सी साडे बड़े वडेरियां दे वेले तो, उदों मेरा हाउस दे फंक्शनां विच बैंड वाले दे भांडा के गाने बजाने करदे हुंदे सी। मैं सोचा शायद तुसीं भी उहनां परिवारां विच ही हो। जेके साहब कहना की चाहुंदे हो कि वह भंड ने, यह तो तुम उन्होंने सीधी सीधी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ जी जेके साहब, ये किदां दी गल्लां कर रहे हो तुसी? ओ नहीं नहीं चड्डा साहब, मैं तो मजाक कर रहा, तुसीं तां गल ही दिलों ला लेती। कमो दीदी आ हो की रहा है, तुहाडे पल्ले पिया कुछ? बस इन्ना की पल्ले पिया जिन्ना कि तुहाडे पिया। मैनूं तां इह समझ नहीं लगती कि वड्डे भाजी चंगे भले बंदे दी बेइज्जती क्यों करते पए ने। भाजी का कहड़ा पता लगता कुछ, अजकल तो सारे नाल ही इदा गल करते ने भाजी। तेनू भी जो मौका मिलता ना वड्डे भाजी की गल कर लग पैनी, चुप करके ना खड़ी रह, तेरे मुँह ते नहीं जचदी यहोजी गल्लां। घट्टो घट इन्हों का सोच तू
गल किहदे बारे करदी पई आ? कमो हुण तुसीं फिर तमाशा शुरू कर दिता है। चलो जी हुण ढोल बजाण दा टाइम हो गया। मैरा हाउस दा फंक्शन है, मेहमानां नूं वी पता लगना चाहीदा है कि मल्हार बेटा ते समोन बेटी रिंग सैरामनी लई तैयार बैठे ने। ते मुंदरी पाउण लग्या ते ढोल वजूगा ही वजूगा, पर साडी ढोली कित्थे रह गई? गीत ढोली? थोड़ी ढोली हाजिर है वड्डी मैडम जी। जो असी इन्ने साल तो नहीं कर पाए अज कम की ढोली ने कर दिता। लाई आई मम्मी जी ने ते तेनू होर मौका मिल गया ड्रामा करन दा। बस कर हुण इह गीत ढोली दी की औकात कि एड्डा वड्डा काम कर जे। इह तां वड्डी भाभी दी शह ते लै आई है मम्मी जी ने। ते मम्मी जी उहनां नूं वी बुढ़े वरे शौक चढ़िया अपने आप नूं चमकाउण दा। देखता सही किदां चमका के लियाई है मम्मी जी ने। मैनूं तां मम्मी जी सोहणे बहुत लगदे पए ने, बिल्कुल माता रानी वांग। गीत ने बहुत सोहना तैयार किया मम्मी जी ने। जिवें तुहानू सारे नू पता है इस आलीशान घर विच माता रानी दा जगराता रख्या होया। ते माता रानी दे जगराते विच हाजरी लाउण आ गए ने इस घर दी मां। ते इदां दे शुभ दिहाड़ियां दी शुरुआत वड्डियां दा आशीर्वाद लै के शुरू हुंदे ने ना। मेरे ख्याल नाल इस परिवार दा वी इही रिवाज होगा। जेके साहब क्यों नहीं लेना आशीर्वाद? आही तां साडा कल्चर है, साडा सभ्याचार है। इस घर के मालक बड़े साहब जी जे के मेहरा अपनी मम्मी जी के पैरी हाथ ला के आशीर्वाद नहीं लेंगे? गल इदा है के गल्लां बाद च बड़े साहब जी। पहले अपनी मम्मी जी के पैरी हाथ ला के आशीर्वाद तो लो। हाँ जी जेके साहब, मावा ठंडिया छावा, अपनी मम्मी जी का आशीर्वाद नहीं लोगे? जेके साहब अपनी मम्मी जी का आशीर्वाद लो ताकि असी अज का फंक्शन शुरू कर सकिए। की कर रहे हो जेके साहब? अगे वधो, लाओ मम्मी के पैरों नूं हाथ। बड़े साहब जी आशीर्वाद लो। जेके साहब अज मैं थोड़े ना एक वादा करती हूँ कि तुसी अपनी धी के कन्यादान तो पहला पहला अपनी माँ के पैरी हाथ ला के आशीर्वाद जरूर लो। वेरी पैना माता जी, मैं भी थोड़े बच्चे वर्गा, मेरे भी सिर पर हाथ रखो। खुश रह बच्चिया, रब तेरे ते अपनी मेहर रखे। जेके साहब तुहाडी मम्मी जी नूं मिलके मैनूं बहुत चंगा लग्या। इन्हां देख के मैनूं मेरी मम्मी दी याद आ गई। हाँ जी जेके साहब, बुजुर्गां दे आशीर्वाद नाल जिहड़ा काम हो जाए उहदे वर्गी तां रीज ही नहीं हुंदी है। हाँ पर अजकल लोग अपने बुजुर्गां दा सत्कार करदे ही किथे ने। जेके साहब तुसीं बहुत लकी हो कि तुहाडी मम्मी जी दा आशीर्वाद
अज भी तुहाडे नाल है। एक ही वड्डे साहब जी, हुण तां सारे ने आशीर्वाद लै लिया, तुसीं किस चीज़ की उड़ीक कर रहे हो? चलो जेके साहब, हुण तां सारे ने आशीर्वाद लै लिया, तुसीं भी टेको ना मत्था।